क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आरएस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8 भी कराने जा रहा हूं, जो कि रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स की है। यूनिट 2 अलजेब्रा चल रहा है। चलिए देखते हैं इसमें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले 2 दोनों क्वेश्चन करा चुका हूं। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 3x³ + 10x² + x - 6। Hence, solve the equation 3x³ + 10x² + x - 6 = 0। तो चलते हैं बच्चों, पहले fx लिख लेते हैं इसमें। fx जो गिवन है कितना है, 3x³ है, प्लस का 10x² है, फिर प्लस x है और माइनस का 6 है। इसमें हम x = 1 रखने पे 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, ये 10 13 और ये 14 में से 6 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x = -1। सो f -1 निकाल लीजिए, कितना आएगा बच्चों, 3 × -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 × -1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस का यहाँ -1 आ जाएगा और माइनस का यहाँ 6 है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 × ये -1 आ जाएगा और प्लस का 10 × ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 1 है, -6 है। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 3 हो गया और ये प्लस का 10 हो जाएगा और माइनस का 1 और ये 6 7 हो जाएगा। तो ये आ गया 10 प्लस का है और माइनस का भी 10 है, = ये 0 आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि x = -1 आ गया है, तो x + 1 = 0। दैट मीन्स क्या हुआ, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, जो ऊपर है उसका ये फैक्टर हो गया है। अब क्या करना है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे बच्चों, तो यानी कि पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलते हैं x + 1 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो x + 1 यहां लिख लेते हैं हम, और इसे डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड जो करना है वो करना है 3x³ + 10x² और प्लस का x है और माइनस का 6 है। चलिए यहां से सीधे इसको डिवाइड करना है, तो एक तो 3 आ जाएगा, दूसरा x² आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना चाहिए हमेशा, तो 3x³ आ गया हमारा। 3x² से 1 की मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 3x² आ जाएगा। अब इसके बाद चेंज देयर साइन, इसके साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहां से क्या बच जाएगा, प्लस का 10² है, माइनस का 3x² है, तो प्लस का 7x² बच जाएगा। यहाँ से ऊपर से प्लस का x लेना है, अभी देखो 7 है तो यहाँ 7 तो आएगा ही, प्लस का आएगा और दूसरा एक x भी आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करो तो यही आना चाहिए 7x². अब 7x की 1 से करेंगे तो प्लस का 7x आ जाएगा। अब साइन चेंज करना है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ से क्या बचा बच्चों, माइनस का 6x बच गया, ऊपर से माइनस का 6 सही है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये अब केवल माइनस का 6 टाइम्स जाएगा, ये माइनस 6 लेंगे तो माइनस 6 की x से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा, और इसकी 1 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसके चेंज देयर साइन, यानी कि साइन इसके चेंज कर देंगे और ये दोनों के दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया कि इसके फैक्टर हो चुके हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या है इसका, यहाँ पर है आपका 3x² है और प्लस का 7x है और माइनस का 6 है, इसके फैक्टर करने हैं। ये तो फैक्टर हुए बच्चों इसके, इससे पहले इक्वेशन लिखने थी इसकी पूरी की पूरी, कितनी थी हमारी, ये थी आपकी 3x³ था, प्लस का 10x² था और प्लस का x था और माइनस का 6 था। तो जब हमने फैक्टर करे तो एक फैक्टर इसका कितना आया, x + 1 आ गया था, और दूसरा फैक्टर ये आ गया था इसका, जो बड़ा से यहाँ लिखा हुआ ये ऊपर क्वेश्चन जो बचा हुआ है। अब इसके भी फैक्टर करने हैं हमें, कितना आ जाएगा, देखो x + 1 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म लेंगे तो 3x² है प्लस का,
यहाँ स्प्लिट करने के लिए आ गया और ये x आ गया, माइनस का 6 आ गया है। अब 6 3 जा 18 हो गया, 18 का करेंगे और ये माइनस साइन से आना चाहिए, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ x प्लस 1 आ गया और यहाँ पे ये आ गया 3x स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा और माइनस का 6 सही है यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 1 लेंगे और यहाँ से आ जाएगा आपका 3x कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, यहाँ x प्लस 3 बच जाएगा और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो x प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ से x प्लस 1 है और यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ रहा, तो ले लीजिए x प्लस 3 कॉमन, यहाँ से क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा और माइनस का 2 बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों कुछ और भी दिया है, सॉल्व द इक्वेशन की डिग्री कहा है, तो पहले इसको यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए थी, ये वाला पोर्शन आपका अलग है। चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या है, 3x³ है और प्लस का 10x² है, प्लस का x है, माइनस का 6 है, इक्वल टू 0। इसके हमने अभी फैक्टर करे थे, क्या करे थे, x प्लस 1 आया था, दूसरा क्या आया था, x प्लस 3 आ गया था और एक और आया था 3x माइनस 2 आ गया था, इक्वल टू 0। अब एक एक फैक्टर लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, ये सेकेंड आंसर हो गया। और एक बार आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, ये लास्ट वाला फैक्टर, सो 3x इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, एक आंसर ये हो गया, यानी ये तीन आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया, सेकेंड हो गया और ये थर्ड। x की ये वैल्यू निकाल दी है, तीनों आ गई, क्योंकि ये क्या है, थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है, तो तीन तीन इसके हल होंगे यानी 3 सॉल्यूशन होंगे, तो फैक्टर भी हो गए और इसके सॉल्यूशन भी निकल गए, यानी ये दोनों ही चीजें इसकी हो गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन fx² - 7x² - 3x + 18, हैंड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच fx = 0। चलिए बच्चों पहले fx लिख लेते हैं, fx है हमारे पास 2x³ - 7x² - 3x + 18, इसमें हम x इक्वल टू 1 रख करके तो 0 नहीं मिलेगा, माइनस 1 रखने के भी नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर f2 ले लीजिए, f2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 × 2³ हो गया, माइनस का 7 × 2² हो गया, माइनस का 3 × 2 हो गया और प्लस का 18 हो गया। f2 ही चल रहा है हमारा, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2³ हो गया 8, माइनस 7 × 2² = 4 हो जाएगा, माइनस का 3² = 6 हो जाएगा, प्लस का 18, 8² = 16 आ गया और माइनस का 7² = 28 हो गया और ये करेंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, ये माइनस 6 है प्लस 18 है, तो ये प्लस वाले जोड़ दिए, 6 और 2 8 हो गया और 1 और 1 2 हो गया और माइनस का 28 पहले ही है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2 हो गया, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx का ये फैक्टर हो गया। जब फैक्टर हो जाता है तो बच्चों फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, जो ये दिया हुआ है, कितना दिया है, 2x³ दिया हुआ है, माइनस का 7x² दिया है, माइनस का 3x दिया है और प्लस का 18 है, तो पहले तो 2 टाइम्स जाएगा और x² टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे इस x से तो 2x³ हो जाएगा और इससे करेंगे तो माइनस का 4x² हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस ये प्लस ये कैंसल आउट हो गया,
यहां से बच जाएगा माइनस का 3x2 और यहां से माइनस का 3x है। चलिए ऊपर से ले लिया 3x, अब यहां से माइनस एक तो साइन आएगा, दूसरा 3 भी आएगा और x भी आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो यही आएगा माइनस का 3x2। अब माइनस का 3x की माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 6x आ जाएगा और माइनस यहां भी है तो इसको प्लस कर देगा। चलिए साइन चेंज करने, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो गया माइनस का 9x बच गया। ऊपर प्लस का 18 पड़ा हुआ है, अब ये माइनस 9 टाइम्स जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x हो जाएगा और माइनस की माइनस 2 से करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और 18 हो जाएगा। इनके सबके साइन चेंज करने होते हैं, ये माइनस हो जाएगा तो ये दोनों कैंसल हो गए और यहाँ पे 0 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा फैक्टर हो चुका है, क्या हुआ फैक्टर बच्चों, ये है यहाँ थोड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दे रहा हूं मैं, यहाँ कितना था 2x3 था, माइनस का 7x2 था और माइनस का 3x और प्लस का 18। तो इसको हमने जो अभी फैक्टर निकाला है तो x माइनस 2 आ गया और इसका कोसेंट ऊपर देखिए कितना, ये वाला कोसेंट होता है बच्चों, इसको लिखेंगे 2x2 है माइनस का 3x है माइनस का 9, इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे। तो x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा आपका, यहाँ फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म लेना है हमें, तो 2x2 है माइनस यहाँ से यहाँ आएगा x और माइनस 9 आ गया यहाँ पे और ये माइनस साइन इसके बीच में रहना चाहिए, तो 2 9 जा 18 हो गया, 18 का करना है कि 3 आ जाए तो 6 3 जा 18 आ जाएगा। चलिए देखिए क्या आएगा, x माइनस 2 यहाँ पे पहले से ही है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x2 है माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 3x और माइनस का 9 हो जाएगा। ये आ गया x माइनस 2, यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3 बच जाएगा और प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, x माइनस 2 हो गया यहाँ से, यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और बचा क्या यहाँ से 2x प्लस 3 बच गया ये, और यही हमारा आंसर आ गया है। तो ये पहला फैक्टराइज वाला आंसर हमारा हो चुका है, ये कह तो रहा है ऊपर फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, यानी इस एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन हो गया है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच fx इक्वल टू 0, अब fx 0 दे रहा है तो ये थर्ड पार्ट में जा रहा है इसका एक तरह से, fx कितना दे रहा है 0, तो fx लिख लीजिए 2x2 है बच्चों, 2x2 में 2x3 है और माइनस का 7x2 है माइनस 3x है और प्लस का 18 है, ये इक्वल टू अब 0 हो गया। तो इसके फैक्टर हमने कर ही लिए हैं, कितने आए थे x माइनस 2 आ गया था एक तो, दूसरा x माइनस 3 आ गया और तीसरा आपका यानी थर्ड 2x प्लस 3 आया है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये फैक्टर हमारे हो चुके थे, तब एक एक करके लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 आ गया, एक आंसर ये आ गया इसका, दूसरा एक बार x माइनस 3 को देंगे 0 तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये सेकेंड आ गया इसका आंसर, और एक और लेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, सो x इक्वल टू माइनस 3/2, ये थर्ड आंसर हो जाएगा, यानी तीन वैल्यू निकल गई फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। चलिए इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये क्वेश्चन नंबर है 5। गिवन दैट x माइनस 2 एंड x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x2 प्लस ए एक्स प्लस बी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हैंस फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ एक्स एफ एक्स। तो चलिए देखते हैं पहले इसमें क्या कहा, पहले एफ एक्स लिख लीजिए हमें, एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स कितना है ये बच्चों, एक्स क्यूब है प्लस 3x2 है प्लस का ए एक्स है और प्लस का बी है। चलिए ये फैक्टर है x माइनस 2 इज द फैक्टर, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा,
रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि एफ टू इज इक्वल टू जीरो लेंगे, इसमें टू रख दीजिए तो कितना आ जाएगा एफ टू, तो यहाँ आ जाएगा टू का क्यूब और प्लस का थ्री इंटू टू स्क्वायर और प्लस का ए इंटू टू और प्लस बी है इक्वल टू जीरो। यहाँ से एट हो जाएगा और प्लस का टू थ्री फोर जा, थ्री फोर जा ट्वेल्व हो जाएगा और प्लस का टू ए हो जाएगा प्लस का बी इक्वल टू जीरो। तो रियल में कितना आ गया ये, तो ट्वेंटी हो गया, ट्वेंटी प्लस का टू ए प्लस का बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स टू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस का ट्वेंटी, ये इक्वेशन नंबर वन आ गई। अब एक और दिया हुआ है एक्स प्लस वन भी फैक्टर दिया है, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर जो है वो जीरो लेके चलेंगे, इससे जब डिवाइड होगा तो ये क्या हो गया एफ माइनस वन इक्वल टू जीरो, रख दीजिए एक्स की जगह माइनस वन, तो माइनस वन का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, प्लस का थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का ए इंटू माइनस वन आ जाएगा और प्लस बी भी हमारे पास है और इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ तो माइनस वन आ जाएगा, प्लस का थ्री इंटू वन हो जाएगा और ये माइनस का ए आ जाएगा और प्लस का ये बी हो गया इक्वल टू जीरो। क्या बचा यहाँ से, माइनस का वन ही रहने दीजिए और प्लस का थ्री हो जाएगा माइनस ए प्लस का बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स यहाँ से टू बच जाएगा, टू माइनस ए प्लस का बी इक्वल टू जीरो, सो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का टू आ जाएगा, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड हो जाएगी। अब हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट में से सेकेंड को हम माइनस कर देंगे, तो देखिए क्या करते हैं, माइनस पे आता है, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करना है, तो फर्स्ट क्या है टू ए प्लस का बी है इक्वल टू माइनस का ट्वेंटी, ध्यान रखना फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकेंड को माइनस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या है माइनस ए है प्लस का बी है इक्वल टू माइनस टू है, तो ये चेंज रहेंगे साइन, तो ये हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बी इसमें से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा थ्री ए और यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया माइनस का एटीन, माइनस एटीन, सो दैट मीन्स कि ए जो आ जाएगा माइनस का एटीन डिवाइडेड बाय थ्री, थ्री सिक्स जा जाएगा, सो ए विल बी माइनस का सिक्स आ गया है, यानी ए का आंसर आपका आ चुका है, यहाँ पे ए की वैल्यू निकल गई है। अब ये वैल्यू कहाँ रख दें हम, किसी में भी रख दीजिए मर्जी है, तो यहाँ क्या करते हैं हम पुट इन इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए बच्चों, ए की वैल्यू रख रहे हैं, ये सेकेंड हमारी है, तो माइनस का ए सिक्स है तो प्लस का सिक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का सिक्स हो गया और प्लस का बी है इक्वल टू माइनस टू है, तो ये हो गया सिक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस टू, सो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस टू और माइनस का सिक्स, सो बी इक्वल टू माइनस एट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ये सेकंड आंसर आ गया, ए और बी निकल गए। अब कह रहा है हैंस फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ एफ एक्स, यानी सभी के हमें फैक्टर्स चाहिए, तो चलिए बच्चों फैक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, तो पहले हम लेके चलते हैं कौन सा x माइनस टू, पहले फैक्टर दिया था तो x माइनस टू से इसको डिवाइड कर दीजिए एफ एक्स को, तो चलिए डिवाइड करते हैं बच्चों, देखते हैं कितना आता है, पहले एफ एक्स को कंप्लीट लिख लीजिए, एफ एक्स कितना आया हमारा, एफ एक्स देखिए ध्यान से एक्स क्यूब पहले था ही यहाँ पे, ये रहा प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर है प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर और फिर ए एक्स है और ए की वैल्यू बच्चों कितनी आई हुई है माइनस सिक्स है, तो माइनस का सिक्स एक्स हो जाएगा और बी की वैल्यू माइनस एट आई है तो माइनस का यहाँ एट हो जाएगा। अब यही यहाँ लिखना है, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस का सिक्स एक्स और माइनस एट, चलिए डिवाइड करिए थी कितने टाइम जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे माइनस टू से तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
साइन चेंज करने हैं इसके, ये तो कैंसल आउट हो गया, ये कितना बचेगा 3 और 2 हो गया 5x2, माइनस का 6x ऊपर से लेंगे, एक तो यहाँ प्लस का 5 आ जाएगा बच्चों ये, और एक x भी आ जाएगा साथ में, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 5x2 हो जाएगा, और माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा और x आ जाएगा। देखिए साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, अभी कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 4 बच जाएगा, 4x ऊपर से माइनस का 8 ले लेंगे हम, कितना बच जाएगा, अब जाएगा इसमें 4x टाइम 4 टाइम जाएगा, प्लस का 4 लिख लेंगे, 4 वन जा 4x हो गया, और 4 के माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसका एक फैक्टर तो आ चुका है, अब दूसरा फैक्टर इसने एक और दिया हुआ है x प्लस 1, तो कोसेंट को x प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए, यानी x प्लस 1 फिर लेंगे और कोसेंट को लेंगे, कोसेंट क्या है हमारे पास, x स्क्वायर है प्लस का 5x है और प्लस का 4 है। चलिए इसको भी डिवाइड कर दीजिए, तो पहले तो x टाइम्स जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से प्लस का x आ जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल, यहाँ से बच जाएगा 4x, ऊपर से 4 ले लेंगे हम, अब केवल 4 टाइम जाएगा, यानी ये 4 हो गया, तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 4 हो गया, यानी साइन चेंज कर देंगे इसके, साइन चेंज करते ही दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। यानी इसके फैक्टर आ गए बच्चों, क्या क्या फैक्टर आ गया fx के, देखते हैं यहाँ पे फैक्टर, पहला तो इन्होंने क्या दिया था, एक्स माइनस 2 दिया था, दूसरा क्या दिया था, x प्लस 1 दिया था, और तीसरा यहाँ से x प्लस 4 जो कोशेंट बचा हुआ है वो आ जाएगा, तो यहाँ x प्लस 4 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो दो फैक्टर तो बच्चों दे दिए थे, बाकी इसको डिवाइड करके हमने निकाल लिया है। स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी आप निकाल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो चाहे जैसे करके हो जाता है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जरा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ रहा है, ये क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन 4x³ माइनस bx² प्लस का x माइनस का c लीव्स रिमाइंडर्स 0 एंड 30 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, हेंस फैक्टराइज एक्सप्रेशन कंप्लीटली। चलो कंप्लीट फैक्टराइज भी करना है, दो दो वर्क है इसके अंदर, तो सबसे पहले हम fx लिख लेते हैं बच्चों, fx कितना दिया हुआ है 4x³ है और माइनस का bx² है और प्लस का x है और माइनस c है, इतना दिया हुआ है, तो पहले x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लीजिए तो x इक्वल टू माइनस 1 हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना दिया है बच्चों, रिमाइंडर दिया हुआ है 0, तो पहले ले लेते हैं यहाँ पे f माइनस 1 लेंगे यहाँ, तो 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब क्यूब है यहाँ बच्चों, माइनस का b है और इंटू माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का x है तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे और माइनस का c इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 4 आ गया और इंटू ये इसके करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 1 होता है और माइनस का b है, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस का 1 है, माइनस का c इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का b हो गया और माइनस का 1 और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया, c है बच्चों, ये तो माइनस 1 रहेगा यहाँ पे और माइनस का सी रहेगा इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, माइनस बी माइनस सी है और ये माइनस का 4 है और माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस 5 हो गया, माइनस का बी हो गया, माइनस का सी हो गया इक्वल टू 0, तो जरा शिफ्ट कर देते हैं तो बी प्लस सी इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा, बी प्लस सी को दे भेज दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब एक और दिया है एक 2x माइनस 3 वाला भी कुछ कह रखा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लीजिए, सो 2x इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो x इक्वल टू 3 बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर अब की अलग दिया।
दिया हुआ है। ये ध्यान रखना बच्चों, अधिकतर बच्चे जीरो ही लेके चलते हैं, लेकिन अब के रिमाइंडर 30 दिया हुआ है, तो ये 30 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ये 3/2 इक्वल टू 30 हो जाएगा, यानी कि 4 है इंटू 3/ इस वाले में हमें रखना है 3/2, तो 4 इंटू 3/2 का क्यूब करना है, 3/2 का होल क्यूब हो गया, और यहाँ बच जाएगा माइनस का बी है और इसमें एक्स का स्क्वायर है, मतलब 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का एक्स है तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का सी है तो माइनस का सी इक्वल टू बच्चों आपकी 30 रहेगा। ये बहुत ध्यान देना, 30 छूट जाता है सबसे। सो 4 इंटू 3 3 9 3 27 हो गया, और 2 2 4 2 8 हो गया, यहाँ माइनस का यहाँ बी है, 3 3 9 हो गया और 2 2 4 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर 3 है, 2 है, और माइनस का सी है इक्वल टू 30 हो गया। अब यहाँ से 4 2 8 हो जाएगा, तो चलिए ठीक है। इसमें अब क्या करना है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इसका पूरे का, एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो एलसीएम हो जाएगा 4 आपका, तो यहाँ से 2 4 8 और मतलब 2 2 4 हो जाएगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 54 हो जाएगा, माइनस यहाँ तो 4 1 4 9 भी रहेगा, और प्लस 2 2 4 2 3 6 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ से 4c आ जाएगा इक्वल टू 30 आ जाएगा, 4 की इधर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कितना आ जाएगा यहाँ, 54 कैसे रहने दीजिए, ये 54 माइनस का 9b आ गया, और आ गया प्लस का 6 और माइनस का 4c और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 की 4 की 30 से मल्टीप्लाई जाएगा, कितना रहेगा, 4 3 12 यानी 120 आ जाएगा। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करना है, मैम 54 और ये 6 लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो 60 माइनस का 9b है माइनस का 4c है इक्वल टू 120, 60 को इधर भेज दीजिए तो 9b हो गया माइनस का 4c इक्वल टू कितना हो गया 120 माइनस का 60, 9b है बच्चे यहाँ, तो देखिए अब क्या आ जाएगा, माइनस का 9b है माइनस का 4c इक्वल टू ये बच जाएगा आपका 60 बच जाएगा, और साइन चेंज कर देते हैं जरा, तो साइन क्या चेंज करोगे इसको, इक्वेशन को सेकंड कर दीजिए। अब ये सेकंड होगी, फर्स्ट वाली ये है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 4 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, यहाँ 4b हो जाएगा और प्लस का 4c हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 4 5 20 हो गया, माइनस का 20। अब इसके नीचे ही लिख लीजिए, माइनस का 9b हो गया माइनस का 4c हो गया इक्वल टू 60, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करते ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 5b बच जाएगा, यहाँ कितना बचा बच्चों, ये बच गया आपका 40, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइड बाई माइनस का 5 8 जा, सो b की वैल्यू -8 आ गई। चलिए एक आंसर हमारा आ चुका है, अब सेकेंड आंसर के लिए हम कोशिश करते हैं, थोड़ा कहाँ रखेंगे, 14 इक्वेशन फर्स्ट, इस बी की वैल्यू को कहाँ रखना है, 14 इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रख दीजिए, बी माइनस का 8 है प्लस का सी है और इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, सी इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 5, तो -5 ले लिया यहाँ पे, तो सी इक्वल टू हो गया, ये 8 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 8 -5 हो जाएगा, सो सी इज इक्वल टू आ गया आपका 3, इसका मतलब ये आपका आंसर आ चुका है। अब यहाँ बच्चों क्या रह गया हमारा, बहुत कुछ हो चुका है, यानी एफ एक्स अब हमारा निकल जाएगा, कितना आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू जो आ जाएगा
सारी वैल्यूज रख देते हैं, ए और बी की दोनों, ए और बी दोनों आंसर आ चुके हैं, तो पहले ए रख लेते हैं। फोर ये है, बी और सी की आ गई है, तो 4x³ हो गया, और माइनस का बी कितना आया बच्चों, ये आया है बी आपका माइनस का 8, तो प्लस का कर देगा इसको 8 और x² हो गया, x अपनी जगह ही है तो x रहेगा यहाँ पे, और c कितना है आपका, c आपका 3 आया है और यहाँ पर माइनस का c दिया हुआ है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स निकल गया है। अब यहीं पर आपको फैक्टर भी करने हैं, थोड़ी सी एक लाइन मैंने और खींच दी है यहाँ पे। अब हमें चूंकि दो दो फैक्टर पता है तो इनसे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो पहले हम एक्स प्लस वन से डिवाइड करना चाह रहे हैं इसको, देखो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4x³ है, प्लस का 8x² है, और प्लस का एक्स है, और माइनस का 3 है। चलिए डिवाइड करिए, तो एक तो 4 आ जाएगा, दूसरा x² आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4x³ हो गया, प्लस का 4x² हो जाएगा, चेंज कर देते हैं साइन इसके, ये साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 8x² माइनस का 4x², तो 4x² बच जाएगा, प्लस का x आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 तो आएगा ही और x भी आ जाएगा, प्लस का 4 ले लिया और x भी आ गया, 4x के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² हो जाएगा, और 4x की 1 से करेंगे तो प्लस का ये 4x आ जाएगा। साइन चेंज करने, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, माइनस का 3x बच जाएगा, ऊपर से माइनस का 3 ले रहे हैं हम, तो माइनस के 3 टाइम्स जाएगा सिर्फ, ये माइनस का 3 ले लीजिए, तो माइनस का कितना 3x आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा, जब इस माइनस 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज देयर साइन, इसके साइन चेंज कर देंगे तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और ये 0 आ गया, यानी इसके फैक्टर हमारे आ चुके हैं। क्या आए बच्चों जरा लिख लेते हैं, मैं फर्दर लिख रहा हूँ, 4x³ है, प्लस का 8x² है, और प्लस का कितना है एक्स है, और माइनस 3, इसका फैक्टर जो करा आपने, पहले x प्लस 1 आ गया था इसमें, और जो रिमाइंडर बच गया ऊपर कोसेंट जो बचा है वो लिखना है इसमें, तो लिख लीजिए इसको कितना आ गया, 4x² हो गया, प्लस का 4x हो गया, और माइनस का 3 आ गया। अब यहाँ पर x प्लस 1 तो रहेगा, दूसरे वाले फैक्टर को हम नहीं ले पा रहे हैं बच्चों, जो 2x माइनस 3 दिया था, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए इसको स्प्रेड द मिडिल टर्म से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4x³ है, यहाँ पे 4x² है, 4x, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका, ये x यहाँ लिया जाएगा और माइनस का 3 है यहाँ पे, ये माइनस साइन इसके अंदर आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 का करना है तो 6 2 12 लेंगे, तो 6 और 2 करते ही 4 हो जाएगा, कितना आ गया, ये आ गया x प्लस 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 4x² है, प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 आ गया, कितना हो जाएगा, x प्लस 1 है यहाँ पे, और यहाँ से अब कॉमन लेना है आपको, 2x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x प्लस 3 बच जाएगा, और माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 बच गया। अब यहाँ से बचा x प्लस 1 बच गया, और यहाँ से क्या बचा, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ से बचा रह गया 2x, और यहाँ से माइनस 1 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो कंप्लीट फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा था, तो ये पूरा फैक्टराइजेशन हो चुका है, तो बच्चों को संभाल के करना आप लोग, हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है 7th क्वेश्चन। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया बच्चों, आज मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ, और नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए।